गया। अरे बाप रे बाप। यही एकमात्र ट्रेन है जो आपको दिल्ली से पटना तक का सफर मात्र 12 घंटे में कराती है। देखिए भाई साहब ये कंडीशन। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में देश की राजधानी नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिल्ली से बिहार जाने वाली एक और मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन, ट्रेन नंबर 12394 संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कंडीशन दिखाने वाला हूँ, जिसे आम जनता की राजधानी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली से पटना तक का सफ़र मात्र 12 घंटे में तय करती है। तो अगर आप भी दिल्ली से पटना जा रहे हैं संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस से छठ पूजा से पहले, तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि छठ पूजा से पहले संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कैसा कंडीशन रहने वाला है, कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ट्रेन में, क्योंकि ये ट्रेन हमेशा फुल पैक होकर दिल्ली से बिहार जाती है, लेकिन अब छठ पूजा में तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है इस ट्रेन में। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को कैसा रहने वाला है संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कंडीशन छठ पूजा से पहले। बाकी देख लीजिए, अभी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एंटर कर रही है 14 नंबर पे। संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली से शाम 5:30 पर निकलती है और बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल आपको पहुंचाती है सुबह 6:30। भाई राजधानी एक्सप्रेस के बाद यही एकमात्र ट्रेन है जो आपको दिल्ली से पटना तक का सफ़र मात्र 12 घंटे में कराती है। नहीं तो और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो 15 घंटे 17 घंटे 20 घंटे 22 घंटे का समय लेती है, लेकिन ये ट्रेन मात्र 12 घंटे में आपको दिल्ली से पटना पहुँचा देती है। बाकी आप भीड़ देख सकते हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लिए। ये सारा भीड़ भाई जनरल कोच का है। देख लीजिए कितने ज़्यादा पैसेंजर भाई दिखाई दे रहे हैं। अभी छठ पूजा आने में समय बाकी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कितनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक भाई जनरल वाले पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब क्राउड चेक कर लीजिए। देखिए ये भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली से पटना के लिए इस ट्रेन का कितना ज़्यादा डिमांड है। देख लीजिए कैसे लोग भाई लाइन में लगे हैं। बहुत भाई ज़्यादा भीड़ होने वाली है संपूर्ण क्रांति में। आप देख सकते हैं पीछे कितने लोग खड़े हैं। इधर देखिए भीड़ ही भीड़ भाई नज़र आ रही है। ओवर क्राउड भाई ट्रेन जा रही है संपूर्ण क्रांति। ट्रेन के आने से पहले ही भाई मैं आप सभी को क्राउड दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए लगाई जा रही है अपनी संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई साहब देखिए ओवर क्राउडेड के साथ लगा हुआ है WAP-7 का। हो गया। अरे बाप रे बाप। मरवाना भाई सारा सारा जोड़े। अरे भाई साहब आराम आराम चल रहे। कितना गंदा कंडीशन है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अरे घुस लो ना वो। देख लीजिए भाई ये कंडीशन दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों का छठ और दिवाली में। कुछ ऐसी हालत में लोग जाते हैं भाई बिहार छठ और दिवाली मनाने के लिए। देख रहे हैं कुछ इस तरह से भाई
भाई बिहार के लोग सफर करते हैं ट्रेनों में, दिल्ली से बिहार के लिए छठ पूजा में देख लीजिए किस हालत में लोग जा रहे हैं। ए भैया ये कहाँ जाएगा हो इतना बड़ा बोरा यार। देखिए ये हाल, देख रहे हैं भाई साहब आप लोग क्या कंडीशन है ट्रेन का। यह है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना तक जाती है। अरे घुसिए ना हो चाचा, घुसिए ना। देख लीजिए इतने बड़े बड़े बोरे, इतने बड़े बड़े झोरे भाई साहब, इतने बड़े बड़े पेटी बक्सा उक्सा सब कुछ जा रहा है क्योंकि भाई बिहार में छठ मनाना है तो मनाना है। देख लीजिए इतने बड़े बड़े बोरे, घुसे इसमें, घुसे खुली है। भाई साहब देख लीजिए है संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच का कंडीशन। मात्र 5 मिनट में ट्रेन का जनरल कोच जो है एकदम पैकम पैक हो चुका है, ओवर क्राउडेड हो चुकी है ये ट्रेन। भाई साहब अगर आप भी इस 2024 छठ और दिवाली में अपने घर जा रहे हैं बिहार तो मैं आप सभी से बस एक ही बात कहूंगा कि भाई आप स्पेशल ट्रेन का सहारा लीजिए, इतनी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भले 2-4 घंटे लेट पहुंचिएगा लेकिन आपका सफर जो है बिल्कुल आरामदायक होगा, इस तरह का कष्टमय सफर नहीं होगा। भाई साहब देख लीजिए कितनी ज़्यादा क्राउड हुई है मात्र 5 मिनट में। इधर भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए सीट पूरा भर चुका है, लोग अब खड़े होने पे आ गए हैं, इतना क्राउड हो चुकी है मात्र 5 मिनट में। देख लीजिए भाई साहब क्राउड, इस ट्रेन में 3 जनरल कोच लगे हैं, चार इस ट्रेन में 4 जनरल कोच लगे हैं, मुझे लगा था 3 ही लगे हैं लेकिन चारों के चारों फुल पैक हो चुके हैं। और भाई इतनी भीड़ भाड़ में अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो अपने कीमती सामानों का विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका मोबाइल आपका पर्स जा सकता है। भाई अभी एक लड़का मिला था उसका भाई पर्स चोरी हो गया है चढ़ते समय, तो इस चीज का बेहद बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप। इतने नन्हे मुन्हे बच्चे इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं चाची? कहाँ? पटना। देख लीजिए इतने नन्हे मुन्हे बच्चे जा रहे हैं पटना बिहार, अंदर का कंडीशन देख लीजिए आप लोग। अरे सबको बैठने दीजिए, सबको बैठने दीजिए, सबको बैठने दीजिए भाई। चलिए दोस्तों निकल गई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, और ट्रेन कब से लगी हुई है लेकिन चलती ट्रेन में चढ़ने वाले तो कभी सुधरेंगे नहीं। और भाई साहब फुली पैक होकर निकली है ट्रेन यहाँ से, फुली पैक देख लीजिए, पूरा लटक लटक कर भी यात्रा लोग कर रहे हैं। ये देखिए SLR कोच है, इसका भी कंडीशन आप देख सकते हैं। चलिए
चलिए निकल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे देख लीजिए लगी हुई है पूर्वा एक्सप्रेस, वो ट्रेन भी पटना जाती है। संपूर्ण क्रांति के निकलने के बाद 10 मिनट बाद वो ट्रेन भी निकलती है, और वो ट्रेन भी भाई फुल पैक हो चुकी है, यहीं पे पूरी पैक्ड है एकदम। पूर्वा एक्सप्रेस भी, वो ट्रेन भी पटना ही जाती है। 10 मिनट के अंतराल पर दोनों ट्रेनें निकलती है यहाँ से।